Hello everyone. Today we will be discuss about the coronavirus or COVID-19. So the news are: fight against coronavirus by Indian companies. Second one, work from home facilities due to COVID-19. Third one, 62 Lifeline Udan flights operated during the 5-day period from 26th to 30th March 2020, transporting over 15.4 tons of essential medical supplies. So let's discuss first news. More than 280 units in SEZs manufacturing essential items like pharmaceutical and hospital devices are operational. The special economic zone, jo SEZ hai, उसके अंदर 280 ऐसा कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल डिवाइसेस कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए. अगर मैं एससीजेड के बारे में और थोड़ा बताऊं, एससीजेड कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट. इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 18% एससीजेड में जो कंपनीज है उन लोग के द्वारा किया जाता है. ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 2019 and 20, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एससीजेड्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड $110 बिलियन. तो $110 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है एससीजेड से, जो कि एससीजेड का जो कंपनीज है वो एक्सपोर्ट किए हैं. सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, एससीजेड्स यूनिट्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स लाइक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स आर ऑपरेशनल टू एंश्योर दिस क्रिटिकल सप्लाईज आर नॉट डिस्टर्बड. सो एससीजेड के अंदर 280 कंपनी लगे हुए हैं ये जो प्रोडक्शन करने में डिफरेंट ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, उनका प्रायोरिटी है जैसे सप्लाईज में कुछ कमी ना आए देश में. सेकेंड न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज बाय आईटी एंड आईटीएस ड्यू टू कोविड-19. More than 1,900 IT and ITS units have been facilitated to enable their employees to work from home. तो इंडिया का जो 1,900 कंपनीज आईटी रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोग का एम्प्लॉय को घर पे काम करने के लिए बोल दिया गया है. तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये बोल एडवाइजरी इशू किया है कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख आईटी एम्प्लॉयज आर वर्किंग फ्रॉम होम. और ये सेक्टर का टोटल एम्प्लॉय कितना है, 40 to 50 लाख आर एम्प्लॉयड by IT and ITS companies. तो 40 से 55 लाख लोग जो काम करते हैं IT companies में और ITS company में, उसमें से 20 लाख लोग already work from home में काम कर रहे हैं. Challenge क्या है work from home में, lack of network infrastructure like continuity on electricity supply, broadband speed. कंटिन्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जैसे क्या, जैसे कि किसी भी प्लेस में करंट चला जाता है और पावर कट हो जाता है तो क्लाइंट और जो बैंकिंग सिस्टम के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है सर्विस देने के लिए, और वो बैंकिंग कहाँ पे सब है, यूरोपियन यूनियन में और यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, तो उनको जो सर्विस डिलीवरी का एग्रीमेंट हुआ है कि इतने टाइम पे हम लोग आपका काम करके देंगे, करंट अगर चला जाता है हमारा प्लेस का वर्क फ्रॉम होम के काम के टाइम पे, तो वो टाइमिंग में डिले हो जाता है और हमारा एक्यूरेसी, सर्विस डिलीवरी ये टाइम पे नहीं हो पाता है और सही से नहीं हो पाता है. तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है. सेकंड चीज ब्रॉडबैंड स्पीड है. ब्रॉडबैंड मतलब अगर स्पीड नहीं रहेगा हमारा नेटवर्क का तो हमारा जो काम का जो टाइमलाइन है वो क्रॉस कर जाता है, देर हो जाता है. तो डेडलाइन क्रॉस करने के बाद तो बैंकिंग सेक्टर का और जो अपना सर्विस देते हैं
जो बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको और आईटी कंपनीज को वो सही सही टाइम पे खत्म नहीं हो पाता है। तो ये एक और एक हर्डल है और प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? रेगुलेटरी हर्डल्स। एज यू नो बैंकिंग सेक्टर हैज डाटा प्राइवेसी पॉलिसी। यूएस एंड यूरोपियन यूनियन हैज द डाटा प्राइवेसी पॉलिसी। तो डाटा प्राइवेसी पॉलिसी ये बोलता है कि अगर आप घर पे काम करेंगे उस टाइम पे अगर कुछ आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ होता है, डाटा चोरी हो जाता है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो कैसे हैंडल किया जाएगा। एग्जाम्पल की तरह से ले जाइए, अगर आप ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसमें बैंकिंग का डाटा है, उस डाटा जो लैपटॉप में अगर लैपटॉप चोरी हो जाता है तो उस चीज में आपको डाटा कैसे रिकवरी करना है, डाटा कैसे थर्ड पार्टी और किसी के हाथ में जैसे ना आ जाए और उसको मिस यूटिलाइज वो करें, वो सब चीज को ध्यान रखना है। तो बैंकिंग सेक्टर में आईटी सेक्टर में डाटा प्राइवेसी को लेके स्ट्रिंजेंट रूल है वो सब कंट्री में, तो वो सबको मैनेज करना पड़ता है। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड टू प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। तो इंडस्ट्री का जो प्रोमिनेंट पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उन लोग ये बोलते हैं कि डाटा मैनेजमेंट एक मेन हर्डल है वर्क फ्रॉम होम की टाइम पे। तो अभी व्यू देखते हैं, व्यू पॉइंट ऑफ आईटी सेक्टर एंड वर्क फ्रॉम होम। आईटी सेक्टर का जो पुराने जो एक्सपर्ट्स है उन लोग ये बोलते हैं कि आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उनका ओपिनियन क्या है। लेट्स टेक वन व्यू पॉइंट ऑफ द इंफोसिस सीएफओ विद वी बालाकृष्णन। ही इज द फॉर्मर सीएफओ ऑफ इंफोसिस वी बालाकृष्णन। He is pointing out that the system is designed only for 10-15% of the employees to work from home, and the firms can implement this only selectively. So it is difficult to make it work of all the 2-4 lakh employees. The major each IT services players employ. यहाँ पे उनका व्यू पॉइंट ये है कि जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी तरह डेवलप किया गया है कि ओनली 10-15% काम कर सकते हैं घर पे। मगर यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन पे हमको ये बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को ये बोला जा रहा है कि आप सभी लोग काम करो, तो हमारे पास इतना फैसिलिटीज नहीं है, तो ये दिक्कत आ रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में। और आईटी सेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारा जो चार बड़े आईटी कंपनीज है, TCS, Infosys, Wipro एंड HCL, दे हैव एम्प्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल। 10 लाख लोग को वो एम्प्लॉयमेंट दिए हैं इंडिया में। लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड न्यूज। 62 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स ऑपरेटेड ड्यूरिंग द 5-day पीरियड फ्रॉम 26 to 30 मार्च 2020, ट्रांसपोर्टिंग ओवर 15.4 टन्स ऑफ मेडिकल मटेरियल। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एज पार्ट ऑफ द इंडियाज वॉर अगेंस्ट COVID-19, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट शुरू किया है जो कि मूवमेंट करेगा मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाईज थ्रू आउट द कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर हर जगह पे वो मूवमेंट करेगा। अंडर दिस इनिशिएटिव 62 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स हैव बीन ऑपरेटेड ड्यूरिंग द 5-day पीरियड फ्रॉम 26 to 30 मार्च 2020, ट्रांसपोर्टिंग ओवर 15.4 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज। तो 62 लाइफलाइन उड़ान जो फ्लाइट हुआ है 5 दिन के अंदर, उसमें 15.4 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाई किया गया है डिफरेंट प्लेस को। उसमें से जो 45 फ्लाइट है, टोटल कितना है 62 फ्लाइट है, 62 से 45 फ्लाइट एयर इंडिया और अलायंस एयर ने किए हैं। अलायंस एयर कौन है?
it is a subsidiary of Air India Limited. So from 62 flights, 45 flights are operated by Air India and Alliance Air. तो ये दोनों ने मिलकर 45 flights में सामान हर जगह पे पहुंचाए हैं. उसका सेकंड पॉइंट, the carriers involved in the Lifeline Udan operations include Air India, Alliance Air, Indian Air Force and Pawan Hans. ये सब गवर्नमेंट का आता है. पवन हंस हेलीकॉप्टर जो कि उड़ा और हेलीकॉप्टर मैनेज करता है, और एयर इंडिया एयर फोर्स, ये सब के पास कार्गो फ्लाइट्स है और सिविल फ्लाइट भी है. और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन हेल्प किए हैं, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट एंड ब्लू डार्ट आर ऑपरेटिंग मेडिकल कार्गो फ्लाइट्स ऑन ए कमर्शियल बेसिस. उसके बाद जो सप्लाई क्या क्या हुआ है हम लोग देखते हैं. द लाइफलाइन उड़ान कार्गो इंक्लूड्स COVID-19 रिलेटेड with supply of enzyme, medical equipment, testing kit, personal protective equipment, PPE, mask, gloves and other accessories required by corona warriors across the country. Special focus has been on the northeast region, island territories and the hill states. NER is being connected by Lifeline Udan through the regional hubs in Kolkata, Bagdogra and Guwahati. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को इसीलिए फोकस किया गया है क्योंकि यहाँ पे रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हीकल मूवमेंट के लिए इतना फैसिलिटी नहीं है अगर कंपेयर किया जाए दूसरे स्टेट के साथ. एयर इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड ए कार्गो एयर ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. रेगुलर कार्गो फ्लाइट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज बिटवीन द टू कंट्रीज are likely to be operated by Air India from 3rd April 2020 onwards. तो यहाँ पे डोमेस्टिक का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इंटरनेशनल के लिए इंडिया चाइना के बीच में फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट शुरू किया गया है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल सप्लाईज इंडिया और चाइना के बीच में कैरी करेगा और वह 3rd अप्रैल से शुरू हो जाएगा. तो आज के लिए कोरोना के बारे में और उसके साथ लड़ने के लिए ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से और कंपनीज की तरफ से जो इनिशिएटिव था और जो उनका एफर्ट था मैंने डिस्कस किया. और इसके चलते और हम लोग का बिलीफ है कि कोरोना के साथ हम लोग अच्छे से लड़ पाएंगे और हमारा इकोनॉमी को बचा पाएंगे आगे का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट से. थैंक यू फॉर योर टाइम टू वॉच माई वीडियो. प्लीज Like, share and subscribe my channel.